हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर की। आपने ये टर्म बहुत सुना होगा जब भी बजट की बात होती है या फिर पॉलिटी का डिस्कशन होता है या फिर इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में। तो चार्ज एक्सपेंडिचर का एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जो कई बार हमसे गलत हो जाता है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर हम समझते हैं कि चार्ज एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखो, चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी ऑफिस के एक्सपेंडिचर हैं या फिर किसी एक ऑफिस को इंडिपेंडेंट रखना है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनको क्या है कि इनको डिसीजंस देने होते हैं, जो डिसीजन कई बार गवर्नमेंट के फेवर में हो सकते हैं, कई बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो सकते हैं। अब मान लो कि गवर्नमेंट इनको सैलरी दे रही है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट इनको कोई डिसीजन देना पड़ा, तो गवर्नमेंट इनसे, मान लो कि गवर्नमेंट जो है इनसे बुरा मान जाए इनकी उस बात का और कहे कि भैया हम आपको सैलरी नहीं देंगे, ठीक है, हम आपकी जो है सैलरी इस महीने काट देंगे, आप तो हमारे खिलाफ़ काम कर रहे हो, हमसे ही सैलरी ले रहे हो। तो चार्ज एक्सपेंडिचर की व्यवस्था इनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए बनाई गई है। मतलब कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन दें या गवर्नमेंट के फेवर में दें, जो भी हो, जो भी सही हो, वो इनको डिसीजन देना है और इससे इनकी सैलरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट चाह करके भी इनकी सैलरी नहीं काट सकती, क्योंकि जो इनकी सैलरी है वो चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है। मतलब कि बजट में इनके सैलरी के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता कि वो कम करी जाए या फिर नहीं दी जाए। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर होना ही होना है और ये चार्ज्ड है, मतलब ऑटोमेटिकली ये वहाँ से होना है एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इसको नहीं रोक सकती है, पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन भी नहीं होगा, बजट में इसकी पासिंग भी नहीं होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको डिफाइन किया गया है कि उनके एक्सपेंडिचर, उनके जो होल्डर्स हैं, उनकी सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस चार्ज्ड होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। ये हम यूनियन गवर्नमेंट के रिलेशन में बात कर रहे हैं और ऐसे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर चार्ज्ड अपॉन होती हैं चीज़ें। जैसे कि कई बार एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये पूछा जाता है कि चार आपके पास में ऑप्शन दे रखे होंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी जो सैलरी है, पेंशन है, वो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से याद रख सकते हैं, बस ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है मेन। ठीक है, इसके अलावा एक दो और है लेकिन 7 मेन है। अगर आप इन 7 को याद रख पाएंगे तो आपका जो MCQ होगा वो गलत नहीं होगा और चार्ज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड MCQ आप बिल्कुल सही सही आंसर करके आएंगे एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो आप याद रखें, कंट्री की सबसे बड़ी पोस्ट, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो सैलरी है, अलाउंसेस वगैरह, ये सब जो है चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं। ऐसे ही प्रेसिडेंट की जो ऑफिस होती हैं उसके जो भी एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, वहाँ जो भी पर्सनल्स काम कर रहे होंगे उनकी सैलरी होगी, वहाँ जो भी मटेरियल जो है परचेज़ किया जा रहा होगा बेसिक अमेनिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, जो गाड़ियाँ चल रही होंगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होगा, तो उससे रिलेटेड जो भी कुछ खर्चा होगा प्रेसिडेंट की ऑफिस से रिलेटेड, तो वो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। मतलब कि गवर्नमेंट चाह करके भी बजट में, पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन नहीं करवा सकती है और इसको रिजेक्ट नहीं करवा सकती। ऐसे ही राज्यसभा और लोकसभा की जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, आपने सुना होगा राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन मतलब अपने होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चेयरमैन बनाया जाता है राज्यसभा में, तो ये वाइस प्रेसिडेंट की भी हो गई। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों कवर हो गए, डेप्यूटी चेयरमैन भी कवर्ड रहते हैं यहाँ पे, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा की। ठीक है, ऐसे ही लोकसभा की हम बात करें तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हो गए लोकसभा के। इसके बाद हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई CJI भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो इनकी सैलरी, अलाउंसेस और सबसे इम्पोर्टेंट पेंशन भी जो है कवर होती है। मतलब 20 साल पहले कोई सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन भी चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ये नहीं है कि कोई एक रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है वो दोबारा लौट के आ जाए, फॉर एग्जांपल मान लो 20 साल पहले कांग्रेस का राज था, वापस से कांग्रेस आ जाए और वो कहे कि भाई तुमने जो बीच में गलत डिसीजन दे दिया था जब हम पावर में नहीं थे, हम आपकी पेंशन जो है काट देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, पेंशन देनी पड़ेगी और पेंशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल के पहुँच जाएगी। यहाँ एक सटल पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने वाला है, वो है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के जजेस की सिर्फ पेंशन चार्ज्ड होती है, सैलरी और अलाउंसेस चार्ज्ड अपॉन नहीं होते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। ध्यान रखें, ये हम बात कर रहे हैं CFI की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। हाँ,
क्योंकि जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उनकी जो सैलरी है वो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, वहाँ पर चार्ज अपॉन होती है उनकी सैलरी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर चार्ज अपॉन होती है सैलरी एंड अलाउंसेस, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर उनकी केवल पेंशन मिलती है। ठीक है, पेंशन चार्ज अपॉन होती है हाई कोर्ट जजेस की, केवल और केवल पेंशन। तो ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपकी गलती करने की पॉसिबिलिटी है, खासकर यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस तरीके की गलती हो सकती है ना, तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके भी सैलरी अलाउंसेज और पेंशन चार्ज अपॉन होती है। ऐसे यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर्स, इनकी भी सैलरी अलाउंसेज और पेंशन चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, आपको याद रखना है प्रेसिडेंट, राज्यसभा के चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा के चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन, तो इन तीनों को मिलाकर के बनती है पार्लियामेंट। तो ये पूरी पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट ऑफिसेस कवर हो गई। ठीक है, ये दोनों अपनी हायर जुडिशरी की ऑफिसेस कवर हो गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की केवल पेंशन चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है, ये हमें याद रखना है, केवल और केवल पेंशन हाई कोर्ट के जजेस की, सीएजी। और इसके अलावा देखो आपका ये पार्लियामेंट हो गई, ठीक है, पार्लियामेंट के बाद में ये अपना जुडिशरी हो गई, हायर जुडिशरी कवर हो गई। और दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और हैं, एक है सीएजी और एक है यूपीएससी, ठीक है, इनकी भी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए। तो 3 और 2 5 और 2 7, टोटल 7 हमको याद रखने हैं। और हमारे जितने भी MCQs हैं चार्ज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, वो हम एकदम सही सही करके आएंगे। कई बार होता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, 3 स्टेटमेंट दे रखी होंगी, 1 is correct, 2 is correct, 1 and 2 are correct, 1, 2, 3 are correct, तो ऐसे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट इससे रिलेटेड डाल दी जाती है। अगर आप ये 7 चीज़ें याद रखेंगे तो आप उस स्टेटमेंट को सही कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए चार्ज एक्सपेंडिचर में और क्या आता है, कि हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब हायर जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हाई जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिस के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब उसको चलाने के लिए, ऑफिस को रन करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ स्टाफ रहेगा, है ना, कुछ वहाँ पे फर्नीचर की व्यवस्था रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्निकल इक्विपमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, तो वो जितना भी उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो भी चार्ज्ड अपॉन है। मतलब ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट ये कहे ठीक है भैया आपको सैलरी तो दे रहे हैं लेकिन हम क्या, हम आपको कोई स्टाफ नहीं देंगे, बने रहो सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ऐसा पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। इसी तरीके से सीएजी की जो ऑफिस है उसके भी जो खर्चे होंगे वो चार्ज्ड अपॉन होंगे। इसी तरीके से यूपीएससी की जो ऑफिसेज हैं उसके भी जो खर्चे होंगे वो चार्ज्ड अपॉन होंगे। इसका मतलब ये है, इंक्लूडिंग दी सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ दी पर्सन सर्विंग इन दीज ऑफिसेज। इसका मतलब ये हुआ कि सीएजी की ऑफिस में अगर कोई काम कर रहा है व्यक्ति, उसकी भी जो सैलरी और अलाउंसेज हैं वो चार्ज्ड अपॉन हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सीएजी की पोस्ट पर बैठे हुए हैं आईएएएस वाले, केवल उन्हीं का नहीं, उस ऑफिस में जितने भी लोग हैं, छोटे से छोटे कर्मचारी भी हैं, उनका भी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज्ड अपॉन है। मतलब कि वहाँ से उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, वो गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जो चार्ज है उसमें डेट चार्जेस। मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक से कहीं से भी कोई लोन वगैरह लेती है, तो उसके जो भी चार्जेस हैं, मान लो कि 5,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आई, पार्लियामेंट चाहेगी भाई ये 5,000 करोड़ रुपए तो इंटरेस्ट में बेकार जा रहे हैं, हम मना कर देते, नहीं वो नहीं कर सकते मना। जो भी डेट चार्जेस हैं वो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैं। ऐसे ही सिंकिंग फंड चार्जेस, रिडेम्पशन चार्जेस, अदर एक्सपेंडिचर अगर कोई लोन वगैरह ले रहे हैं तो। ठीक है, ये इसके अलावा ये चीज़ें और चार्ज अपॉन होती हैं, कि मान लो कोई कोर्ट है जिसमें कि उसके पास कोई केस जाता है, किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कोर्ट बोलता है कि 5,00,000 रुपये कंपेंसेशन जो है सरकार को देना चाहिए इस आदमी को, ये बेचारा परेशान हुआ है, तो गवर्नमेंट को 5,00,000 रुपये अब वो कहाँ से देगी, बजट में तो प्रोविज़न है नहीं। तो ऐसा कोई जजमेंट या डिक्री अवार्ड को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी चार्ज अपॉन होती है, उस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता, वो मना नहीं कर सकते, और इनको जो है ऑटोमेटिकली जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दे दिया जाएगा। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट। अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट्स अलाउड हैं, तो पार्लियामेंट चाहे तो किसी और मतलब इसमें एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर सकती है, कि कौन से एक्सपेंडिचर्स चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होंगे। इस तरीके से ये चार्ज एक्सपेंडिचर की बात हमारी समझ में आ जाती है।
हमें बेसिकली इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 7 चीज़ें याद रखनी हैं। 3 अपनी पार्लियामेंट की हैं, ठीक है, 2 अपनी हायर जुडिशरी की हैं और 2 अपने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, CAG एंड UPSC। ये हमने बस याद रख लिया तो हमारी लाइफ चिंगा लाला। इस तरीके से हम चार्ज एक्सपेंडिचर का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड आंसर कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बता दूँ कि हम क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्रैश कोर्स IBPS एग्ज़ाम के लिए। जो भी लोग IBPS का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम लोग।